हेलो बडीज, लेट्स गोल ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 2, द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ यूनिट 1, अबाउट आवर कंट्री। इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई माउंटेन रेंजेस। दीज इंक्लूड द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस। टेक अ लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड ट्राई टू लोकेट दीज रेंजेस। तो इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है। माउंटेन रेंजेस में आते हैं हिमालयाज एंड दी काराकोरम रेंजेस। ये जो मैप आपको दिख रहा है, इसमें आप काराकोरम रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं और हिमालयाज भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो मैप है, इसमें आप देख के अलग अलग नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में जान सकते हैं, जिसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दी काराकोरम रेंज। दी काराकोरम रेंज इज दी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो काराकोरम रेंज है, ये इंडिया के सबसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट में है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में प्रेजेंट है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 माउंटेन भी कहते हैं, वो दुनिया का सेकेंड हाइएस्ट पीक है, जो कि काराकोरम रेंज में ही प्रेजेंट है और इसकी हाइट 8611 मीटर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिमालयाज के बारे में। द हिमालयाज लाई टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज। दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। द वर्ड हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स इन दिस रेंज इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो हिमालयाज है, ये काराकोरम रेंज के साउथ डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं। द वर्ड हिमालय, इसे संस्कृत में होम ऑफ स्नो यानी कि बर्फ का घर भी कहा जाता है। इसे होम ऑफ स्नो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन माउंटेन्स का जो ज्यादातर हिस्सा होता है, यानी कि मेजर पार्ट जो होता है, वो स्नो बर्फ से सालों भर ढका रहता है। द हिमालयाज इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, फॉर्मिंग अ ह्यूज वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री। तो ये जो हिमालयाज होते हैं इंडिया में, वो वेस्ट साइड से कश्मीर से लेकर ईस्ट साइड तक अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जो कि नॉर्दर्न बाउंड्री के अलोंग ह्यूज वॉल फॉर्म करता है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, यानी कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो कि माउंट एवरेस्ट है, वो भी हिमालयाज में ही प्रेजेंट है। ये नेपाल में प्रेजेंट है और इसकी हाइट 8848 मीटर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काराकोरम रेंज में सेकंड मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक प्रेजेंट था, कौन? K2। और हिमालयाज में द वर्ल्ड्स हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट है। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। तो हिमालयाज को हम लोग 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। दूसरा है द लेसर हिमालयाज, जिसे हिमाचल कहा जाता है। और तीसरा है द लोअर हिमालयाज, जिसे शिवालिक हिल्स कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं डिविजन्स के बारे में। पहला है हिमाद्री। द हिमाद्री इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। दीज पीक्स इन दिस रेंज आर कवर्ड विथ स्नो ऑल द ईयर राउंड। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आर लोकेटेड हेयर। स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स स्टार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन्स। एज दे मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स टू वार्मर एरियाज, दे मेल्ट, गिविंग राइज टू रिवर्स। द टू फेमस ग्लेशियर्स आर द गंगोत्री एंड यमुनोत्री, फ्रॉम विच रिवर्स गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट रेस्पेक्टिवली। तो ये जो हिमाद्री है, ये एकदम नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो पीक्स प्रेजेंट होते हैं, वो सालों भर स्नो से यानी कि बर्फ से ढके होते हैं। बहुत सारे हाईएस्ट माउंटेन्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब जैसे माउंटेन्स जो है, वो भी हिमाद्री साइड में ही प्रेजेंट है। स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस यानी कि जो रिवर्स पे आइस फ्लोट होते हैं, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, वो भी इसी माउंटेन से फॉर्म होना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये ग्लेशियर माउंटेन स्लोप से नीचे आते हैं वार्मर एरियाज यानी कि गर्म एरिया में, तब वो धीरे धीरे गलने लगते हैं, मेल्ट, गिविंग राइज टू रिवर्स, और उसमें से क्या होता है, रिवर्स फॉर्म होते हैं। द टू फेमस ग्लेशियर, दुनिया का सबसे फेमस दो फेमस ग्लेशियर है गंगोत्री एंड यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है और यमुनोत्री से यमुना रिवर ओरिजिनेट होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल के बारे में। द हिमाचल इज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। द माउंटेन्स हेयर आर लोअर देन दोज ऑफ हिमाद्री। दिस रेंज हैज मेनी ब्यूटिफुल वैलीज,
The mountain slopes are covered with thick forest of pine, deodar and fir trees. Many beautiful hill stations like Nainital, Mussoorie, Shimla, Srinagar, Kullu, Dharamshala, Darjeeling etc. are located in this range. तो ये जो हिमाचल है ये हिमाद्री के साउथ साइड में प्रेजेंट है. यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं वो हिमाद्री के माउंटेन्स के कंपैरिजन में थोड़े छोटे छोटे होते हैं. इस रेंज में बहुत सारे ब्यूटीफुल वैलीज पाया जाता है. यहाँ का जो माउंटेन स्लोप्स है ये ज्यादातर थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, देवदार और फर ट्रीज से ढका रहता है. यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन भी है जैसे कि नैनीताल, मसूरी, शिमला, श्रीनगर, कुल्लू, धर्मशाला, दार्जिलिंग और बहुत सारे. तो ये सब जो हिल स्टेशंस है ये भी इसी रेंज में पाए जाते हैं. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हिमाद्री का जो माउंटेन पीक्स होता है वो सालों भर बर्फ से ढका रहता है और हिमाचल जो होता है ये सालों भर थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, देवदार और फर ट्रीज से ढका रहता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं ये शिमला का पिक्चर है जो कि एक हिल स्टेशन है हिमाचल में. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द शिवालिक के बारे में. द शिवालिक हिल्स आर द सदर्न मोस्ट रेंज. ये जो शिवालिक हिल्स होते हैं ये एकदम साउथ साइड में पाए जाते हैं. सदर्न मोस्ट रेंज है, यहाँ पे माउंटेन से ज्यादा हिल्स पाया जाता है और यहाँ के जो हिल्स होते हैं वो थिक ग्रीन फॉरेस्ट से कवर होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. सो इट इज कॉल्ड होम टू मेनी एनिमल्स. द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक नोन एज तेराई बिकम टू वेट एंड मार्शी ड्यू टू हैवी रेनफॉल. शिवालिक का जो फुटहिल्स है जिसे तेराई कहा जाता है वो ज्यादा बारिश होने की वजह से बहुत ही गीला और मार्शी हो जाता है. गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स क्रिएट किए हैं जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं तो यहाँ पे इसीलिए सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को डेवलप किया गया है. इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आर दी फेमस मीजो, गारो, खासी, नागा, जयंती एंड लुशाई हिल्स. तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहुत सारे फेमस हिल्स प्रेजेंट है जैसे कि मीजो, गारो, खासी, नागा, जयंती एंड लुशाई. इसे याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. दे आर नॉट वेरी हाई बट आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. तो ये जो हिल्स है ये ज्यादा हाई यानी कि ज्यादा ऊंचा नहीं होता है लेकिन इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से पूरे जंगल से ही ढका रहता है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन पासेस. अ माउंटेन पास इज अ नैरो पाथ ओवर और थ्रू द माउंटेन्स विच आर आइदर नेचुरल और मैन मेड. तो माउंटेन पास जो होता है ये एक नैरो पाथ होता है जो कि माउंटेन्स के बीच में बनाया जाता है ताकि इंसान जो है वो आसानी से आगे बढ़ सके, पास कर सके. ये जो माउंटेन पास होता है ये नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है यानी कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ. तो पासेस की मदद से जो पीपल है वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जैसे कि रोहतांग पास, शिपकीला, ये सब हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है. नथुला जो माउंटेन पास है ये सिक्किम में प्रेजेंट है और बोमडीला जो माउंटेन पास है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है. ये जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं ये रोहतांग पास का पिक्चर है जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस. हिमालयस का इम्पोर्टेंस क्या होता है. तो हिमालयस जो है वो बहुत तरीकों से हमारे लिए यूजफुल होता है. पहला है दे फॉर्म अ नेचुरल वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो ये जो हिमालयस होते हैं एक नेचुरल वॉल खड़ा कर देते हैं इंडिया के नॉर्थ साइड में ताकि वहां से जो कोल्ड विंड्स आ रहा है उससे हम लोग बच सके और दूसरे कंट्रीज से जो एनिमीज आते हैं, दुश्मन आते हैं उससे भी हम लोग बच सके. दे चेक द मॉनसून विंड्स एंड कॉज रेनफॉल. हिमालयस जो होते हैं ये मॉनसून विंड्स को चेक करते हैं और बारिश फॉर्म करते हैं यानी कि रेनफॉल को कॉज करते हैं. तीसरा है मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द ग्लेशियर्स. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं माउंटेन्स में से ग्लेशियर फॉर्म होता है तो बहुत सारे रिवर्स जो है वो इन्हीं ग्लेशियर से फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा कि गंगोत्री से गंगा रिवर फ्लो करता है और यमुनोत्री से यमुना रिवर. फोर्थ है द फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइड अस विथ वुड एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स. दे ऑल्सो सर्व एज अ हैबिटेट फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स. तो यहाँ पे माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हिल्स में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हमें वुड प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं जिसके वजह से ये जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट है. फिफ्थ, डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस रिवर्स विच प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. तो माउंटेन से ग्लेशियर फॉर्म होता है, ग्लेशियर से रिवर फॉर्म होता है. तो ये जो रिवर्स है यहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है.
तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज।